दोस्तों आज कुछ अलग करते हैं। सबसे पहले आप लोग इन पपीज के मदर और फादर को देखिए जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो राइट साइड में वो पपीज के फादर और जो लेफ्ट साइड में वो मदर, तो इन दोनों की तो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अब बात करेंगे इनके पपीज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग स्पीड की इस सीरीज में बात करने वाले एक काफी क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है लासा एप्सो। तो कोई सोच सकता है कि बहुत से लोग लासा एप्सो के बारे में नहीं जानते होंगे, बट आई एम श्योर आप लोग सिट्जू के बारे में जरूर जानते होंगे। तो सिट्जू और लासा एप्सो ऑलमोस्ट सेम डॉग ब्रीड है, बस इनके कलर में थोड़ा फर्क होता है। और अगर क्यूटनेस की बात करें तो भाई लासा एप्सो भी बहुत ही क्यूट होते हैं, फैमिली डॉग ब्रीड है और घर में रहना पसंद करते हैं और ये आप लोगों के साथ डोर टू डोर घूमते काफी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो उनके के पास मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही अवेलेबल हैं, बट इनमें से कुछ पपीज बुक भी हो चुके हैं। तो गाइस लासा एप्सो एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जो काफी छोटे से होते हैं, तो इन्हें आप लोग अपार्टमेंट्स में या कहीं पर भी छोटे घरों में इजीली रख सकते हो। वैसे तो छोटी ब्रीड के काफी सारे फायदे होते हैं और उन्हीं में से एक ये भी है कि आप लोगों का मंथली एक्सपेंसेस इतना ज्यादा नहीं होता, काफी कम खर्च में आप लोग इन्हें इजीली मेंटेन रख सकते हो। वैसे तो दोस्तों लासा एप्सो का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 12 से 14 साल का है, बट क्या आप लोग एक बात जानते हैं कि एक लासा एप्सो ऐसा भी था जिसकी एज 29 ईयर्स थी। तो आई एम श्योर ये फैक्ट आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा और डॉग वर्ल्ड में ये एज सबसे ज्यादा मानी जाती है। बाकी सब कुछ डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग अपने डॉग्स को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, उन्हें कैसी डाइट देते हैं, कितनी उन्हें वॉक एंड एक्सरसाइज कराते हैं। तो इन सब चीजों से ही पता लगता है कि आप लोगों के डॉग्स की जो लाइफ है वो कितनी होगी। और हाँ गाइस, काफी लोग क्या करते हैं कि अपने डॉग्स को मोटा करने के चक्कर में उन्हें ओवर फीडिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफी गलत है। इसकी वजह से आप लोगों की जो डॉग्स की लाइफ है वो काफी कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें आप लोगों के डॉग्स मोटे नहीं बल्कि एक्टिव होने चाहिए, जैसे कि आप लोग इन लासा एप्सो पपीज को देख रहे हो। एंड दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं पपीज को परचेज करने के बाद उन्हें दूध रोटी या ब्रेड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप लोगों के पपीज की हेल्थ को बिल्कुल खराब कर देता है। अगर आप लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि पपीज को क्या खाने में देना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे फूड का लिंक डाल रखा है, वो सभी के स्वीट स्टार्टर फूड है जो कि आप लोग अपने पपीज को दे सकते हो और सभी के सभी काफी फेमस ब्रांड है। तो गाइस इन पपीज के मदर फादर तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ, तो अब बात करते हैं इन क्यूट से पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, आई मीन इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये पपीज एग्जैक्ट 35 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है चेंबर मुंबई से। एंड गाइस ये जो पपीज हैं ये होम ब्रीडिंग के हैं और इसी वजह से ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्हें परचेज करने के लिए तो डायरेक्ट ओनर को विजिट करो और पपीज को अच्छे से चेक करके ही परचेज करो। एंड फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो गाइस ये जो पपीज हैं ये लासा एप्सो काफी अच्छी क्वालिटी में है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 20,000 पीस 20,000 रुपए एंड फीमेल की है 16,000 पीस यानी 16,000 रुपए। वैसे प्राइस नेगोशिएबल है और मुंबई में जो है वो सभी पपीज का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो, बाकी बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आशा करता हूं इन पपीज की क्वालिटी और वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।